अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद इमरान, लेक्चरर ऑफ मैथमेटिक्स इन द गार्डन कॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, आज हम 24th लेक्चर स्टार्ट करने चले हैं, जिसके अंदर हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 12 को डिस्कस करेंगे। और जो आज का हमारा टॉपिक होगा वो होगा जी एक्सरसाइज 12.6 क्वेश्चन 1 एंड 2। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारे पास जी सॉल्व द फॉलोइंग ट्रायंगल वेयर ए इज इक्वल टू 7, बी इज इक्वल टू 7 एंड सी इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि अगर हमारे पास किसी भी ट्रायंगल की तीनों साइड्स गिवन हों और हमने उसके वर्टिसेस फाइंड करने हों, तो फिर हम कोसाइंस लॉ यूज़ करते होते हैं। अब हमें ये भी पता है कि साइड ए के रिगार्डिंग हम हमेशा जो है वो अल्फ़ा एंगल यूज़ करते हैं और बी के अकॉर्डिंग बीटा यूज़ करते हैं। इसी तरह सी साइड के अकॉर्डिंग हम हमेशा जो है वो एंगल गेमा यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले मैं अल्फ़ा फाइंड करता हूँ। कोसाइंस ला जो है वो हमारे पास अल्फ़ा वर्टिसेस फाइंड करने के लिए कुछ यूँ होता है, कॉस अल्फ़ा इज इक्वल टू बी स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस ए स्केयर डिवाइडेड बाई 2bc। तो यहाँ पे यही फार्मूला हम लोगों ने यूज़ किया है। ऊपर हमारे पास ए बी और सी की वैल्यू जी थी वो गिवन थी, तो यहाँ पे इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज पुट करते हैं। पुट करने के बाद इनकी स्केयरिंग करेंगे और प्लस माइनस करेंगे और इस तरह मल्टीप्लाई करके डिवाइड कर देंगे। तो स्केयरिंग करने से हमारे पास जो वैल्यू बनती है आफ्टर डिवीजन, हमारे पास वो वैल्यू बन रही है जी कॉस अल्फा इज इक्वल टू 0.6429। चूँकि हमें जो है वो एंगल अल्फ़ा रिक्वायर्ड था, तो काज को दूसरी तरफ ले जाके इन्वर्स कर देते हैं। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू काज इन्वर्स ऑफ 0.6429। अब हमें इसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है, तो कैलकुलेटर के ऊपर इसको फाइंड करने का मेथड ये है कि आप सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करें, उसके बाद काज का बटन प्रेस करें, फिर उसके बाद 0.6429 वैल्यू लिखिए, फिर इक्वल का बटन प्रेस कर दें, और इसके बाद डिग्री का बटन अगर हम प्रेस करें तो फिर हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो डिग्री फॉर्म में चली जाएगी। तो अल्फ़ा इज इक्वल टू 50 डिग्री बन जाएगा। ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू थी। इस तरह हम लोगों ने चूँकि बीटा की वैल्यू भी फाइंड करनी थी, तो जैसा कि मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूँ कि कोसाइंस ला जो हमारे पास है वो अल्फ़ा बीटा और गेमा के लिए अलग अलग फॉर्म में यूज़ कर सकते होते हैं। तो हम यहाँ पर फिर कोसाइंस ला जो है वो अकॉर्डिंग टू बीटा फाइंड करें यूज़ करेंगे, जो कि हमारे पास है जी कॉस ऑफ बीटा इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस सी स्केयर माइनस बी स्केयर डिवाइडेड बाई 2ac। क्योंकि ऊपर अल्फ़ा हम लोगों ने फाइंड किया था वो हमारे पास 50 डिग्री था, तो बीटा फाइंड करते हैं, ये कोसाइंस ला अगेन यूज़ करते हैं अकॉर्डिंग टू बीटा, और इसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद स्केयरिंग और मल्टीप्लिकेशन, तो ये हमारे पास 49 7 का स्क्वायर है प्लस 81 माइनस 49 डिवाइड बाई 126। जब इसे डिवाइड करते हैं तो ये अगेन हमारे पास जो है 0.6428 बन रहा है। बीटा फाइंड करना है तो काज को दूसरी तरफ ले जाके हम यहाँ पे इन्वर्स कर लेते हैं। जब काज को दूसरी तरफ ले जाके इन्वर्स करेंगे तो अगेन वही मेथड कैलकुलेटर पे फाइंड करने का कि हम सबसे पहले शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, फिर काज का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद हम 0.6428 लिखेंगे, और उसके बाद हम जो है वो इक्वल का बटन प्रेस करेंगे, हमारे पास बीटा की वैल्यू आ जाएगी। जब डिग्री का बटन प्रेस करेंगे तो वो हमारे पास डिग्री की फॉर्म में बीटा की वैल्यू आ जाएगी। बीटा हमारे पास 50 डिग्री बन रहा है। तो हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस का सम जो है वो हमारे पास 180 के इक्वल हुआ करता है। जैसा कि ऊपर मैंने कहा है कि हम इसके वर्टिसेस अल्फ़ा बीटा और गेमा ले रहे हैं, तो हमारे पास अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गेमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो चूंकि हम अल्फ़ा और बीटा जो है ऊपर फाइंड कर चुके थे, वो हमारे पास 50 डिग्री अल्फ़ा था और बीटा भी इसी तरह 50 डिग्री था, तो उसकी वैल्यू पुट करेंगे और इसे दूसरी तरफ ले जाके इन्वर्स वो सब्सट्रैक्ट कर दें अगर, तो गेमा हमारे पास 180 डिग्री माइनस 50 और माइनस 50 डिग्री विच इज़ इक्वल टू 80 डिग्री।
तो ये हमारी रिक्वायरमेंट थी अल्फा बीटा और गैमा, जो कि अल्फा हमारे पास 50 डिग्री है, बीटा भी हमारे पास 50 डिग्री है, और इस तरह गैमा जो है वो भी हमारे पास 50 डिग्री है। इसकी तीनों साइड्स जो हैं वो उसने ऑलरेडी हमें दी हुई थी। उसके बाद चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर टू की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर टू है हमारे पास, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर x² + x + 1, 2x + 1 और x² - 1। प्रूव दैट द ग्रेटेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 120 डिग्री। जो उन्होंने हमें तीन साइड्स दी हैं किसी ट्रायंगल की, और वो कहते हैं कि प्रूव करें कि ये जो इसकी आपके पास सबसे बड़ा एंगल होगा ये 120 डिग्री होगा। तो हम जानते हैं कि हमारे पास अगर ट्रायंगल गिवन है, उसकी जो सबसे बड़ी साइड है उसके सामने वाला एंगल जो है वो सबसे बड़ा एंगल हुआ करेगा, होता होता है। तो सबसे पहले तो हम इसे लेट कर देते हैं कि हमारे पास जो साइड्स इन्होंने दी हमें x² + x + 1, मैं लेट कर देता हूँ, ये a के इक्वल है, और दूसरी साइड b कर देते हैं 2x + 1 के इक्वल है, और थर्ड साइड x² - 1 इसको मैं c के इक्वल अगर लेट कर देता हूँ। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनमें से हमारे पास साइड सबसे बड़ी कौन सी है। तो ये देखने के लिए आप x को डिफरेंट वैल्यू देते जाएं। अगर x को हम 1 देते हैं तो a के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है जी 3, और b के अंदर हमारे पास वैल्यू आ रही है जी 3, और इसी तरह c के अंदर वैल्यू आ रही है हमारे पास 0। अब अगर हम x को 2 देते हैं तो a की वैल्यू देखें, अगर आप गौर करें, ए के अंदर भी आप एक्स को 2 देते जाएं, बी के अंदर भी 2 देते जाएं, और सी के अंदर भी 2 देते जाएं, तो ए के जो हमारे पास लेंथ है वो सबसे बड़ी आ रही है। इसी तरह अगर हम 3 दें वैल्यू एक्स को, तो फिर भी ए जो है वो हमारे पास सबसे बड़ी लेंथ दे रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पे हमारे पास ए जो है वो सबसे बड़ी लेंथ दे रहा है, तो सबसे बड़ा एंगल जो है वो हमारे पास अल्फा होगा। अब अगर सबसे एंगल बड़ा जो हमारे पास अल्फा है, और यहाँ पे हमने लेट किया ए बी सी, यानी तीनों साइड्स हमें गिवन है, तो फिर हम कोसाइंस लॉ यूज़ करते हैं यहाँ पे अगेन, और कोसाइंस लॉ यूज़ करने के लिए हम अल्फा को ही फाइंड करेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइड ए जो है वो सबसे बड़ी साइड थी। अब सबसे बड़ी साइड कैसे है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो कॉस अल्फा इक्वल होगा हमारे पास b² + c² - a² / 2 bc। तो बी सी और ए लेंथ्स हमें गिवन थी, ऊपर हमने जब लेट की थी, तो उनकी वैल्यू पुट करते हैं। वैल्यू पुट करने के बाद उनके स्क्वायर ओपन करें, अगर 2x + 1 का स्क्वायर ओपन करें तो हमारे पास वैल्यू 4x² + 4x + 1, और x² - 1 का स्क्वायर ओपन करें अगर, तो ये हमारे पास x⁴ - 2x² + 1, और x² + 1 + x का स्क्वायर अगर ओपन करें तो ये हमारे पास x⁴ + x² + 1 + 2x³ + 2x² + 2x। यहाँ पे फार्मूला यूज कर लें कि a+b+c² = a²+b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, उसके अकॉर्डिंग ये ओपन किया गया है, डिवाइडेड बाई 2 × 2x³ - 2x + x² - 1। ये हमारे पास 2x + 1 × x² - 1 को मल्टीप्लाई करने से आया है। तो यहाँ से अगर हम इनको प्लस माइनस करते हैं, प्लस माइनस करने से जब हम इसे प्लस माइनस करेंगे, ये हमारे पास x⁴ माइनस का और प्लस का आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसी तरह हमारे पास बाकी कुछ वैल्यू कैंसिल आउट होने के बाद ये -2x³ - x² + 2x + 1 बच जाएगा। अब अगर यहाँ से हम -1 कॉमन लेते हैं तो ऊपर हमारे पास 2x³ + x² - 2x - 1, और नीचे हमारे पास जो है ये 2x³ - 2x + x² - 1 एक जैसे टर्म आ रही हैं, तो ये एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगी। सो कॉस अल्फा इज इक्वल टू -1/2 बन जाएगा। तो अल्फा हम लोगों ने फाइंड करना है, तो कॉस को दूसरी तरफ लेके जाते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ -1/2। हम जानते हैं कि कॉस के अंदर, ये कॉस की प्रॉपर्टी है कि अगर कॉस के अंदर हमारे पास एंगल में माइनस आ रहा हो तो कॉस अपनी माइनस जो है वो ख़त्म कर देता होता है। इसीलिए जब हम इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे तो हम शिफ्ट का बटन प्रेस करेंगे, उसके बाद कॉस का बटन प्रेस करेंगे, और उसके बाद 1/2 लिखेंगे, फिर इक्वल का बटन प्रेस कर देंगे, तो ये हमारे पास
जब डिग्री के बटन प्रेस करते हैं तो अल्फा हमारे पास 120 डिग्री मान रहा है, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था कि सबसे बड़ा जो एंगल है वो आपके पास 120 होना चाहिए। तो यहाँ पे ऊपर हमने लेट किया था कि ए साइड हमारे पास सबसे बड़ी है, तो अल्फा हमारे पास सबसे बड़ा एंगल बनना था, सो अल्फा हमारे पास 120 है, और यही हम लोगों ने प्रूव करना था। ये था आज का लेक्चर, उम्मीद करता हूँ सबको क्लियर हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।